सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड से राजस्थान सहित देश के 22 राज्यों में तनाव के हालात बने हुए हैं। पूरे राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों में भी हत्याकांड के विरोध की आग सुलगी है। जयपुर में मेट्रो मास अस्पताल के बाहर हजारों की संख्या में सुखदेव सिंह के समर्थक परिजनों के साथ करीब 50 घंटों से ज्यादा तक धरना दिया। बाद में बुधवार की देर रात प्रशासन और धरनार्थियों में सहमति बनी, तब जाकर जयपुर से धरना समाप्त किया गया। जगह जगह पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि अभी तक शांत नहीं हुआ। गोगामेड़ी के शव का पोस्टमार्टम बुधवार देर रात को मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड रात को किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं करता है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का देर रात पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव गोगामेड़ी ले जाया जा रहा है, जहां शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, मंगलवार को दिन दहाड़े राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की श्याम नगर स्थित उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई, जिसके बाद गोगामेड़ी को मानसरोवर स्थित मेट्रो मास अस्पताल लाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि मंगलवार को दिन दहाड़े 3 बदमाश उनके घर पर आए और करीब 10 मिनट तक गोगामेड़ी से बातचीत की, और उसके बाद फिर बदमाशों ने गोगामेड़ी पर जमकर गोलियां बरसाई, जिसके बाद गोगामेड़ी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।